नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, कौन है जो भगवान श्री राम की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भगवान राम का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखिए राम राम जय श्री राम। दोस्तों, प्रभु राम के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस के करीब सिकंदरापुरा गांव में उस दिन जो हुआ उसने सभी गांव वालों को हिलाकर रख दिया। इसे चमत्कार कहें या अंधविश्वास, लेकिन सैकड़ों लोग बड़ी आस्था के साथ इस कुएं का पानी पी रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, तो चलिए दोस्तों आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कुआं है जिसका पानी अचानक से मीठा हो गया है। जी हाँ, इस कुएं का पानी पीने और अपने साथ लेकर जाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग कुएं के आसपास खड़े हो गए। आलम ऐसा है कि यहाँ भीड़ कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। मामला ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस के करीब सिकंदरापुरा का एक कुआं ऐसा है जिसका पानी पिछले कई सालों से कोई भी नहीं भरा करता था, लेकिन जब गांव की एक महिला ने कुएं के पानी में भगवान राम और लक्ष्मण की खंडित मूर्ति को डाला तो उसके बाद कुएं के अंदर से धुआं बाहर आने लगा। कई वर्षों से किसी ने भी कुएं से एक बूंद पानी तक नहीं निकाला था, लेकिन जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति को पानी में डाला बड़ा चमत्कार हो गया। गंदगी से भरे कुएं का पानी जब स्थानीय लोगों ने निकाला तो पानी बिल्कुल साफ और निर्मल और स्वच्छ था। उसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे एक चमत्कार माना और फिर क्या, ये बात जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैलने लगी। लोग पानी भरने के लिए अपने साथ बर्तन लेकर आने लगे और अपने रोग दूर करने के लिए भगवान का वरदान हासिल करने लगे, वरदान मांगने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि इस जल के स्पर्श से ही सभी रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। राम राम जय श्री राम।